ये उन दिनों की बात है जब हर लम्हा आज़ाद था। ये उन दिनों की बात है जब हर लम्हा आज़ाद था। दुश्वार था घुट घुट के जीना, लबों पर हल्के मीठे बोल थे। ये उन दिनों की बात है जब हर लम्हा आज़ाद था। दुश्वार था घुट घुट के जीना, लबों पर हल्के मीठे बोल थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, निगाहें बयां करती थी बातें। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, निगाहें बयां करती थी बातें। ये उन दिनों की बात है। ख्वाहिशें उड़ान लेती थी परिंदों की तरह। ख्वाहिशें उड़ान लेती थी परिंदों की तरह, और आसमान में ख्वाबों की लड़ी सी दिखाई देती थी बादलों के बीच। ख्वाहिशें उड़ान लेती थी परिंदों की तरह, और आसमान में ख्वाबों की लड़ी सी दिखाई देती थी बादलों के बीच। ये उन दिनों की बात है जब अपनी माँ की उंगलियों को थामे हम चल पड़ते थे बेफिक्र होकर दौड़। जब अपनी माँ की उंगलियों को थामे हम चल पड़ते थे बेफिक्र होकर, दौड़ते थे पापा की तरफ हवा में उछलने के लिए जोर से। जब अपनी माँ की उंगलियों को थामे हम चल पड़ते थे बेफिक्र होकर, दौड़ते थे पापा की तरफ हवा में उछलने के लिए जोर से। ये उन दिनों की बात है जब बचपन एक जश्न था। तू होता क्या है, ये सुकून होता क्या है, ये ख्याल मुझे हमेशा सताता रहा। ये सुकून होता क्या है, ये ख्याल मुझे हमेशा सताता रहा। मैं ढूंढता रहा बेचैन होके हर जगह इसे, कभी बरसते बादलों के बीच, कभी कड़ी धूप में, तो कभी सर्दी में ठंडी हवाओं को बदन पर लपेटे हुए। हर वक्त मैंने यही सोचते हुए गुजारा कि ये सुकून होता क्या है। ये पहचानते हुए उम्र गुजर गई, ये पहचानते हुए उम्र गुजर गई, रिश्ते बदलते गए, आदमी से इंसान और आप से मैं तक की दूरी भी कट गई। ये पहचानते हुए उम्र गुजर गई, रिश्ते बदलते गए, आदमी से इंसान और आप से मैं तक की दूरी भी कट गई। मगर बिल्कुल मरने से कुछ अक्स पहले जब मैंने अपनी कलम को देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सुकून होता क्या है। मतलब की है ये रंजिश क्यों बढ़ाए हम, बेमतलब की है ये रंजिश क्यों बढ़ाए हम। खैर दिल दुखाने के लिए ही सही है इश्क, आओ मिलके फरवरी मनाए हम। वो अकेले ही सफर करती थी उन वादियों में, वो अकेले ही सफर करती थी उन वादियों में। बेखौफ थी वो हर मुश्किल और डर से, आजाद थी फिर भी वो जानती थी अपना रास्ता, फिर भी वो जानती थी अपना रास्ता। मालूम थी उसे खुद की मंजिल, मनचली नटखट नाजुक सुंदर थी वो बेहद। वक्त की पाबंदी थी उसे, लेकिन हर लम्हे का मजा भी लेती थी। अपने मन का बोझ हल्का करती थी वो ठहर के कई जगह। रफ्तार से उसकी दोस्ती थी, उसकी आवाज से गूंज उठती थी सारी वादियां। हलचल सी मचती थी जब वो आती थी, जब वो आती थी। अब वो आराम कर रही है यार्ड में, अब वो आराम कर रही है यार्ड में, खड़ी है अपनी जगह बना के ये सोचते हुए कि मैं फिर से रेल बन पाऊंगी।